हमारे सोनक की प्यारी ऋषि प्रश्न करते हैं, जिन प्रश्नों की संख्या है 6, उनमें से पहला प्रश्न है मनुष्य मात्र का सच्चा धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न है पूजा किसकी करें, तीसरा प्रश्न है भगवान के कितने अवतार होते हैं, और फिर प्रश्न करते हैं जो परमात्मा निर्गुण निराकार है वो सगुण साकार रूप में इस धराधाम पे कभी राम तो कभी कृष्ण बन करके कैसे आता है, और इसके पश्चात भगवान अपनी समस्त लीलाओं को समाप्त करके जब जाने लगे तब धर्म किसकी शरण में जाता है। ये कुछ प्रश्न नहीं, ये कुछ जिज्ञासाएं हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, और कृपा करके उन जिज्ञासाओं को शांत कर दीजिएगा। सूत जी ने एक बार पुनः प्रश्नों को सुनने के पश्चात अपने गुरुदेव से सुखदेव जी को प्रणाम किया है। यहाँ जितने भी भक्त बैठे गए हैं जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है वो अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम कर ले, और नहीं ली है तो विश्व गुरु भगवान भोलेनाथ विश्वनाथ है उनको प्रणाम कर ले। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मिलकर के गए बंदहु गुरु पद पदुम परागा, पदुम परागा सुरुच सुबास सरस अनुरागा। सूत जी ने अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम किया और फिर कहा आपका पहला प्रश्न मनुष्य मात्र का सच्चा धर्म क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना। सरकार सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म हो ही नहीं सकता। आज लोग बहुत खींचातानी में मचे हैं, हमारा धर्म ये हमारा धर्म ये, लेकिन आपको पता है सच्चा सबसे सर्वश्रेष्ठ और कभी ना मिटने वाला धर्म कौन सा है? क्या हिंदू धर्म को हम कह सकते हैं? नहीं, उस धर्म का नाम है सत्य सनातन धर्म। सनातन का मतलब होता है फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब है जो सदियों से चला आ रहा है, आज भी है, अनंत काल तक रहेगा, जिसको कोई काटने वाला नहीं है, वो है सनातन। सरकार और तो अलग अलग अपने अपने मार्ग बना लिए है, मार्ग सुई जाको जी भावा पंडित सुई जो गाल बजावा। आज के समय में वही हो रहा है, जिसको जो मार्ग अच्छा लग रहा है वो उसी मार्ग पर चल रहा है। पंडित वही है, विद्वान वही है, ज्ञानी वही है जो जितनी बड़ी बड़ी बातें लपेट के फेंकने में उसको आए ना वो उतना ही बड़ा सिद्ध महापुरुष है। ये कलिकाल का समय है, सरकार पंडित सुई जो गाल बजावा, जो उल्टी सीधी तमाम प्रकार की बातें कर करके किसी भी प्रकार से हाउ टू अर्न मनी धनोपार्जन कर ले, आज के समय का सच्चा विद्वान वही है। अच्छा देखिएगा जरा, पहले के समय में संत को उसकी पूजा से उपासना से उसकी विद्वता से समझा जाता था। कौन सी विद्वता? शास्त्रोक्त विद्वता। अगर हम भागवत जी की कथा गा रहे हैं और हमें भागवत जी की कथा की जानकारी नहीं है तो क्या हमें श्रीमद् भागवत का विद्वान कहने का अधिकार है? नहीं, नहीं। हम तीन घंटे केवल हाँ तीन घंटे में दो घंटे ढाई घंटे कथा कहे और बीच में भजन और कुछ सामाजिक बातें कह दे वो तो नीति संयुक्त है, लेकिन तीन घंटे इधर उधर के सास बहू के चुटकुले अगर सुनाए
तो बताओ जरा भागवत होगी नहीं ना। आज के समय में बहुत विडंबना है, व्यास पीठ से कथा को न करके ये घर घर की कहानियों को बताया जा रहा है। दूसरी बात, मुझसे इस समय कई भक्तों ने कहा बहन जी आप कथा कम सुनाया करिए, फिर बोले अब उपाय बताया करिए। उपाय कौन से उपाय? ऐसे उपाय जिनसे कि लोग आपको सुने और वो उपाय करके उन्हें 56 लाख की जागीर एकदम से मिल जाए। तो आपका बहुत जल्दी नाम हो जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, फॉलोअर्स की तो कोई कमी नहीं रहेगी। वाह, अरे भैया भागवत की कथा इसका मतलब इतनी हल्की फुल्की हो गई, इतनी सस्ती हो गई कि वो पीछे हो गई और ये प्रपंच के उपाय चलने लगे। ध्यान से सुनना, ये गाल बजाने से विद्वता शब्द होने वाली नहीं है। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम संकीर्तन, प्रभु वही इतना बड़ा उपाय है इस कलकाल में कि जिसने अधिकतम जितना अधिक से अधिक नाम गा लिया उसके लिए फिर कुछ भी कहीं भी अजेय नहीं रह जाता है। हर जगह उसकी जय ही जय होती है।